समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। झांसी के थाना सिपरी बाजार क्षेत्र ने आज एसएसपी कार्यालय में शिकायती पत्र दिया है और उस शिकायती पत्र के माध्यम से उसने अपनी आपबीती बताई। उसका कहना है कि कुछ दिन पहले वह रात में घर पर अकेली थी। जब वह मोबाइल की टॉर्च जलाकर छत पर कपड़े उठाने गई तो देखा पड़ोस में रहने वाली महिला एक युवक के साथ बैठी थी। मोबाइल की टॉर्च देकर पड़ोसन व युवक गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने लगे। इतने में उसका पति घर आ गया, जिस पर उसके पति के साथ भी मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत सीपरी थाने में दी गई, जिस पर पुलिस ने सिर्फ मेडिकल कराया पर शिकायत दर्ज नहीं की, उल्टा उसके पति का ही 151 में चालान कर दिया। उसके बावजूद पड़ोस में रहने वाली महिला आए दिन गाली गलौज व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। पीड़ित ने आज एसएसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाई है। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। वो अखिलेश हैं और रागी के पति अखिलेश और मतलब गजेंद्र उसका भाई, उसने मतलब मेरे पति को बहुत मारा और मेरे साथ में छेड़खानी करी, मेरे ताना तूनी करी, कपड़े फाड़े मेरे साथ में, और मैं एप्लीकेशन लिखवाने थाने में गई तो जब तक उसने 100 नंबर पुलिस बुला रखी थी तो मेरे पति को उठवा दिया। मेरे पति को क्या बोलते, बहुत मारा उसने, बहुत चोटें आई है और चालान कर दिया पुलिस वालों ने। हाँ, मैं छुटवा कर मैंने अभी छुटवाया जेल से, फिर उसने बुला लिया पुलिस, फिर पुलिस बुला ली। हमें नहीं पता सर क्या चाहती है, रहने नहीं दे रही है। मैं कल से पता घर नहीं गई अपने, ना छोटे छोटे खाना भी सुंदर नहीं खाया मैंने। मैं आईटीआई पे रहती हूँ, हाँ कॉलेज है, आईटीआई कॉलेज है, खालसा स्कूल है, उसके पीछे रहती हूँ सर। मैं कॉलोनी में रहने नहीं दे रही, आसरा कॉलोनी है सर जी। ऑल इंडिया में लोडिंग अनलोडिंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मिश्रा रोड लाइन, संपर्क करें 9336184688 7617041558। राजूपाल एवं माँ पीताम्बरा मैरिज गार्डन, शादी पार्टी एवं अन्य शुभ अवसर के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 9415055525 8090155855 7355231447। पार्किंग के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध है। शिवपुरी रोड, टोल प्लाजा, रक्सा, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश। प्रोपराइटर संजय कुमार मिश्र उर्फ संजू मिश्रा। मैं ये कहना चाहूँगा नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि धन्यवाद, अमित शाह जी को कोटि कोटि धन्यवाद और योगी आदित्यनाथ जी को कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए मैं सभी आरएसएस और सभी बीजेपी जितने भी नेता लोग हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि ब्राह्मण के लिए एक चेहरा उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए रिपोर्ट किया। मैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं पंडित विनोद शर्मा, ग्राम डंगरभा से, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की गवर्नमेंट सरकार बनी है, बड़ी हार्दिक मुझे खुशी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी और हमारे माननीय अमित शाह जी, ये हमारे बड़े कर्मठ और योग्य नेता हैं। इन्होंने हमारे ब्राह्मण समाज का एक नया चेहरा जो है डिप्टी सीएम के पद पर इनको भेजा है। मुझे आशा है कि जनता के प्रति, उनकी सेवा के प्रति बिल्कुल निष्ठा भाव से सेवा करेंगे।